रात के 12 बजे कश्मीर जाने वाले पैदल ही चले जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? रोटी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको रोटी नहीं मिल रही है, भूख की वजह से जा रहे हैं। काम नहीं है, पैसा खत्म हो गया है, बस हो लिए अपने घर की तरफ। अगर देश इनको खाना नहीं खिला सकता तो इनके हाल पे छोड़ दें। मरेंगे तो भूख से मरेंगे, कोरोना से तो शायद बच जाएं, मगर भूख से नहीं। हमारी टीम ने आगरा से कश्मीर जाने वालों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसी मुश्किलों में उन्हें गुजरना पड़ा इस सारे राह में। आओ सुनते हैं। मैं आपका सर, मेरा नाम अकरम है। अकरम जी, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो? सर, हम आगरा से आ रहे हैं और जम्मू जा रहे हैं, दखनी कठुआ डिस्ट्रिक्ट कठुआ। आप आगरा से कैसे आए और क्या काम करते थे वहाँ पे? क्या काम करते हो आप वहाँ पे और कैसे अभी वहाँ से यहाँ पर आए हो? वहाँ हम आलू स्टोर होते हैं ना, उसका काम करते थे और वहाँ से हम खाना खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए वहाँ से हम चले आए। पर जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के होते ही सरकारों ने कहा था कि जो प्रवासी लोग हैं उनको जो वहाँ के जहाँ पे आप काम करते हो वो आपको पगार देंगे और साथ में खाना वगैरह देंगे, तो आपको ये सब सुविधा उपलब्ध हुई थी? ये तो हमें नहीं हुई। खाना मिला, जब तक मिलता रहा तब तक हम वहाँ बैठे रहे। जब उन्होंने बोला अब नहीं है, जहाँ जाना है जब, हम वहाँ चले आए वहाँ से। तो फिर कैसे आए आप वहाँ से? वहाँ से लिफ्ट मिल गई थी हमें अम्बाला तक, वहाँ से पैदल चल रहे हैं, बीच बीच में मिल रही है लिफ्ट। तो फिर आपकी रास्ते में आपकी चेकिंग वगैरह नहीं की गई, आपसे पूछा नहीं गया, आपकी पूछताछ वगैरह नहीं हुई? सब कुछ हुई पूछताछ और उन्होंने बोला कोई बात नहीं अब चले जाओ। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं लखनपुर। तो वहाँ फिर कैसे आप अपना सफ़र तय करोगे? देखते हैं, अगर कोई लिफ्ट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो पैदल तो जाना है। तो कितने दिन से आप चल रहे हो वहाँ से, आगरा से? कल चले थे वहाँ से, वहाँ से तो लिफ्ट मिल गई थी और आज सुबह से मिल रही है बीच बीच में, नहीं तो पैदल चल रहे हैं। तो रास्ते में आपको खाना वगैरह जो आपको सुविधा कुछ मिली है? हाँ सब मिली है। कैसे मिली है? पंजाब पुलिस वालों ने, वो मिले थे हमें रास्ते में, उन्होंने देखा हमें। एक सेकंड। मेरा नाम कुर्बान अली है। घर से निकले थे काम के लिए, आगरा में काम करते थे। वहाँ जाए गए हुए 5-6 दिन हुए थे, लॉकडाउन हो गया था, उसका हमें खाना मिलता रहा, हमने खाना खाया और उसके बाद अभी हमारा खाना जो है, राशन जो था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने बोल दिया कि भाई अब राशन पानी नहीं मिलेगा, अब आप जहाँ से आए हो वहाँ जा सकते हो। किन्होंने बोला था और जहाँ हम काम करते थे सर? कहाँ पे काम करते थे? सर हम आगरा में काम करते थे। तो फिर आगरा से आप जलंधर कैसे आए और अभी आप यहाँ से? सर आगरा से हमें लिफ्ट मिल गई थी अम्बाला के लिए, अम्बाला से फिर हम पैदल चले, फिर रास्ते में एक लिफ्ट और मिली खन्ना के लिए और खन्ना से फिर लिफ्ट मिली लुधियाना के लिए, लुधियाना से फिर पैदल चले, फिर लिफ्ट मिली। तो सर अभी जलंधर पहुँचने वाले हैं। तो अभी आप जलंधर आए हो, तो रास्ते में आपसे किसी ने पूछताछ नहीं की कि आप कैसे आए हो? जी सर पूछताछ की, पुलिस वालों ने पूछताछ की, बाकायदा हमें खाने के लिए भोजन भी दिया, सब कुछ दिया और उन्होंने बोला कि और खाना है तो और खा लो और बाकी जो है अपने रास्ते से निकल जाओ। तो आपका मेडिकल वगैरह करवाया गया, जांच वगैरह की आपकी? जांच सर वहाँ पे नहीं। तो जैसे अभी आप जलंधर में हो, तो अभी आप कैसे जम्मू के लिए जा रहे हो? सर अभी यहाँ से जाएंगे, जहाँ से पठानकोट जो रोड जाता है उधर घूमेंगे, फिर देखेंगे कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर पैदल तो जाना ही है हमें। तो वहाँ से तो जैसे अब ट्रेनें वगैरह चल रही हैं या और जो सरकारें सुविधा उपलब्ध करा रही है, तो आपको वो कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई? सर हमने 1.5 महीना हो गया, बोलते थे अब 15 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, फिर बोला 31 को खुलेगा, फिर बोला 3 को खुलेगा। सर ऐसे देखते देखते बहुत देर हो गई थी, अभी 17 को बोल रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा, वो भी पक्का नहीं है, पता नहीं अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा। और सर हमारे घर में
खेती का काम है, गेहूँ काटने का काम है, बीवी है, बच्चे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, गांव में रहते हैं, वहाँ से दवाई लेने के लिए भी जाना है तो कम से कम 5-6 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर पैदल, और बहुत सारी प्रॉब्लम है इसलिए घर जा रहे हैं। तो आप आगरा से कब चले थे और कब यहाँ आप जलंधर पहुँचे हो? आगरा से कल चले थे सर। अच्छा, और अभी रात के 12-1 बज रहे हैं तो अभी जलंधर पहुँचे हैं। तो फिर आप आगे कैसे जाओगे और कहाँ जाओगे? आगे सर हम लखनपुर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कठुआ हमारा। तो घर कहाँ है आपका? कठुआ में पसोली है। ये कहाँ पे पड़ता है सर? ये अपना डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ती है तहसील बसोली, अपना जो दुनेरा है ना, दुनेरा के अपोजिट है ये बसोली।